नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। सालासर सड़क मार्ग पर बने द्वार राम दरबार की मूर्तियों को तोड़ने को लेकर सोमवार को रतनगढ़ व राजलदेसर में विरोध जताया गया। इस संबंध में रतनगढ़ में भाजपा नगर मंडल एवं राजलदेसर में बजरंग दल द्वारा ज्ञापन भी दिया गया। भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष अरविंद इंदौरिया के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि 15 मार्च को राम दरबार की मूर्तियों को तोड़कर आमजन की भावनाओं को आहत किया गया है, इसलिए पुनः द्वार का निर्माण कर मूर्तियों को स्थापित किया जाए तथा दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं राजलदेसर में बजरंग दल द्वारा उपखंड अधिकारी विजेंद्र सिंह के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया, जिसमें दोषी अधिकारियों द्वारा माफीनामा देने की मांग की गई है। ज्ञापन पर दल के जिला सह संयोजक हेमंत नरेश राठौड़, दिलीप आचार्य, गंगाधर शास्त्री, संदीप रमाशंकर, अभिषेक लक्ष्मण विकास सहित कई कार्यकर्ताओं के हस्ताक्षर हैं। सुजानगढ़ में हमारे बहुत ही शानदार एक दरबार लगा हुआ था, एक द्वार था जिस पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दरबार की मूर्ति लगी हुई थी। अशोक गहलोत सरकार, जो कांग्रेस सरकार आए दिन कोई न कोई ऐसे कृत्य करती है जिससे हमारी संस्कृति को आघात पहुंचे, और ऐसा ही एक कृत्य उनकी सरकार के द्वारा गत दिनों किया गया। वो इस नाम पर कि हम सड़क को चौड़ा कर रहे हैं और उस पूरे के पूरे दरबार को, पूरे के पूरे उस दरवाजे गेट को, और रात के अंधेरे में इन सभी लोगों ने मिलकर के उसको हटाया। हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पूरा शहर मंडल के नेतृत्व में हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आए हैं। हमने उपखंड अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है माँ महिम राज्यपाल महोदय को देने के लिए, और हमने उस ज्ञापन में मांग की है कि जो राजस्थान की ये नकारा सरकार है, जो लगातार ऐसे ऐसे कृत्य करती जा रही है, इससे पूरा का पूरा राज्य संभल नहीं रहा है। चाहे वो कोई भी घटना हो, बलात्कार की घटना हो, चाहे लूटपाट की घटना हो, आए दिन कोई न कोई घटना घटित होती रहती है। उसी में एक घटना ये जुड़ जाती है, पूरे के पूरे हिंदू संस्कृति का अपमान उन्होंने इस दरवाजे को तोड़ करके किया है। हमारे हिंदू संस्कृति के आराध्य देव भगवान श्री राम का दरबार लगा हुआ था, उसको उन्होंने, वो चाहते तो उसको सह सम्मान वहाँ से उतार करके सह सम्मान ला सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कृत्य नहीं किया और उन्होंने उस दरवाजे के साथ पूरे के पूरे हमारे आराध्य देव की मूर्तियों को खंडित कर दिया। और ऐसा जो अपमान उन्होंने किया है, इस अपमान को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बिल्कुल सहन नहीं करेगा। हम ईंट से ईंट बजा देंगे। आज हम केवल मात्र शांतिपूर्वक और सब ज्ञापन देने के लिए आए हैं, और उपखंड अधिकारी महोदय के नाम से और राज्यपाल महामहिम राज्यपाल महोदय से हम मांग करते हैं कि जिन लोगों ने भी ऐसा कुकृत्य किया है उन अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और हमारी जो मूर्तियां तोड़ी गई है वो मूर्तियां सह सम्मान उसी गेट पर वैसे वैसे बना करके लगाई जाए। जब तक ऐसा काम नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेगा। हम ईंट से ईंट बजा देंगे सरकार की। जब तक ये नकारा सरकार हमारे इस काम को नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इसी प्रकार के आंदोलन करता रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।